हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका कार्यपत्रक 43 विषय विज्ञान कक्षा 10 हमारी डेट 12 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। हम करेंगे रिवीजन पुनरावृत्ति प्रकाश प्रावर्तन तथा अपवर्तन की, ठीक है, और मानव नेत्र और रंग भरा संसार, इन दोनों पाठों की, ठीक है। तो कुछ मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो प्रकाश है वो हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है। दूसरा, जो दर्पण है या फिर लेंस है, वस्तु के प्रतिबिंब बनाते हैं, और किस प्रकार बनाते हैं, जो उसके बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकते हैं, आभासी भी हो सकते हैं, ठीक है। सभी प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है पृष्ठ प्रवर्तन के नियमों का पालन करते हैं, और अपवर्ती पृष्ठ अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। उसके बाद जो गोलीय दर्पण है या फिर लेंस है, लेंस के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है, कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। उसके बाद दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/V प्लस में 1/U = 1/F, ठीक है। तो ये क्या बताता है, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा गोले दर्पण की फोकस दूरी में संबंध दर्शाता है, कौन, दर्पण सूत्र। उसके बाद जो किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी है उसकी वक्रता अवकर्ता त्रिज्या की आधी होती है, जो F होता है वो क्या होता है, R/2, उसका आधा होता है, ठीक है। उसके बाद है किसी गोले दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है, ठीक है ना। जो M होगा वो क्या होगा, जो हमारी किसकी ऊंचाई होगी, प्रतिबिंब की, और जो बिंब है उसकी ऊंचाई होगी, उनका जो अनुपात है वही क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गोले दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, ठीक है। उसके बाद है सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली प्रकाश किरण अभिलंब से परे झुक जाती है, ठीक है ना। अगर आपका जो सघन से विरल में जा रही है तो क्या हो जाएगी, जो मतलब जो अभिलंब है उससे दूर जाएगी, और जो विरल माध्यम से सघन में है तो क्या करेगी, वो अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। उसके बाद निर्वात में जो प्रकाश है वो क्या होता है, C की वैल्यू क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी अत्यधिक चाल में से गमन करता है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। उसके बाद है किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश के माध्यम में चाल का अनुपात होता है, ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, जो हमारी किस में होगी, किसी मतलब एक तो हो गया स्पीड से जो जा रही है वैक्यूम में, ठीक है ना, वैक्यूम में हो गया, और एक हो गया जिस जो दूसरा माध्यम आप जो भी ले रहे हो उसमें, ठीक है। किसी आयतकार कांच के स्लैब के प्रकरण में अपवर्तन वायु कांच अंतरप्रस्थ तथा एवं कांच वायु अंतरप्रस्थ दोनों पर होता है, निर्गत किरण अपतीत किरण की दिशा में समानांतर होती है। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/V - 1/U = 1/F। बिंब दूरी क्या होती है, ये क्या बताता है, बिंब दूरी, बिंब प्रतिबिंब दूरी और गोले लेंस की फोकस दूरी में संबंध दर्शाता है। किसी लेंस की जो क्षमता है उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। लेंस की जो क्षमता है मतलब क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा होता है, ठीक है। और जो लेंस की क्षमता उसका ऐसा ही मात्र क्या होता है, डायोप्टर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आ सकता है। श्वेत प्रकाश इसका इसके अव्ययी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। मतलब जो श्वेत प्रकाश इसके जो व्हाइट लाइट होती है ना, उसके जो अलग अलग हम उसको कलर्स देख सकते हैं, वो क्या होता है, विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश के प्रकरण के कारण जो आकाश का रंग है वो नीला, और सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल लाल सा प्रतीत होता है, रक्त भरा प्रतीत होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं हमारे MCQs पे, ठीक है। तो ये 5 आपको दिए हुए हैं आपके MCQs, विकल्प वाले आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 का हल अभी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, वाहनों में लगे जो रियर व्यू, जो आपने देखा होगा जो व्हीकल्स हैं आपकी, बाइक वगैरह हैं या फिर गाड़ियां वगैरह, उसमें जो शीशे लगते हैं, ठीक है, पार्श्व दृश्य जो दर्पण होता है वो उन द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन है वो 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, 1 के बराबर होता है, या इसके सामने रखी वस्तु की स्थिति के आधार पर 1 से अधिक या कम हो सकता है। क्या होता है, वो कन्वेक्स होता है ना, कन्वेक्स मिरर होता है, तो उसके वो क्या होता है, 1 से कम होता है उसका आवर्धन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है ना, लिख लेना यहाँ से, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 से कम है, ठीक है। दूसरा है, किसी दूरी पर एक ऊंची इमारत की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब निश्चित रूप से जिसका उपयोग कर देखा जा सकता है, वह है एक अवतल दर्पण, ठीक है, एक उत्तल दर्पण, एक समतल दर्पण, अवतल और समतल दर्पण दोनों, क्या होगा। देखो, किसी दूरी पर ऊंची इमारत की पूरी लंबाई आपको देखनी है, तो पूरी देखने के लिए वाइड व्यू किस में होता है, उत्तल दर्पण में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है आपको पानी, सरसों का तेल, ग्लिसरीन और मिट्टी का तेल दिया गया है, तो इसमें से किस माध्यम में समान कोण पर आपतित प्रकाश की किरण सबसे अधिक झुकेगी? ठीक है, सबसे ज़्यादा किस पे झुकेगी? जो मिट्टी का तेल है, पानी है, सरसों का तेल या फिर ग्लिसरीन, किस पे झुकेगी? ग्लिसरीन पे झुकेगी। ये डिपेंड करता है जो आपका अपवर्तनांक संख्या है ना उस पर। ठीक है, जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फोर्थ है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त होना कहलाता है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर विचलन। क्या होगा? प्रिज्म में गुजरने वाला प्रकाश क्या होता है? जो व्हाइट लाइट होती है प्रिज्म में से अगर हम निकालते हैं तो जो व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, उसके साथ रंग दिखते हैं ना, क्या बोलते हैं हम उसको? प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कोहरे में दिखाई नहीं देता, क्यों नहीं दिखाई देता? कोहरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, बूंदों पर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है, कोहरे प्रकाश को अवशोषित करते हैं या फिर बूंदों द्वारा प्रकाश का परिकरण होता है। क्यों होता है? तो देखो, बूंदों द्वारा प्रकाश का परिकरण होता है, वो एक दूसरे को स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइट की जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है और हमें कोहरे में कम दिखाई देता है। तो जो डी ऑप्शन है ना इसका, वो वाला करेक्ट है। ठीक है, हो जाएंगे, ये हो गए आपके पहले 5 क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।